हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द गीक मॉन्क। द गीक मॉन्क में आपका स्वागत है। दिस इज़ योर बॉय वासु सहगल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, जो कि एक बहुत हॉट टॉपिक है हमारे यंगस्टर्स के बीच में और बहुत लोग यहाँ पर जाना चाहते हैं और बहुत मेहनत करते हैं यहाँ पर आने की, लेकिन बहुत लोग को इसके पार्टीशंस और कौन कौन से कॉलेजेस हैं डिफरेंट कैंपसेस में बहुत कम पता है। और जब वो ले लेते हैं तब वो पछताते हैं, ओ यार ये वाला कॉलेज नहीं मिला, ओ वो वाला कॉलेज नहीं मिला। तो इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन उन्हें नहीं पता होने के कारण ये सब गलतियां होती हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर एक ब्रीफ डिस्कशन करूंगा और हमारी आगे आने वाली वीडियोस के ऊपर मैं हर कोर्सेज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर करता है और कैसे हैं वो एंट्रेंस बेस्ड हैं या मेरिट बेस्ड हैं, सबके बारे में बताना चाहूँगा। तो आप प्लीज़ आगे की वीडियो को भी देखिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी बेसिकली। तो ये है नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस। क्या है ये नॉर्थ कैंपस, ऑफ कैंपस और साउथ कैंपस? तो जैसा कि आप जानते हैं कि नॉर्थ कैंपस का एरिया हो गया हमारा कमला नगर की साइड का। वहाँ पर बहुत सारे कॉलेजेस हैं और बहुत सारे अलग अलग फूड जॉइंट्स हैं और बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्लेसेस हैं। और दूसरा है हमारा साउथ कैंपस, जो कि आ गया हमारा दुर्गाबाई देशमुख कैंपस के बारे में। तो ये है सारा साउथ कैंपस। इनमें ये सारे कॉलेजेस हैं, मैं इन सब के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन ज़रूर करूंगा। और तीसरे होते हैं ऑफ कैंपस कॉलेजेस, जो कि कैंपस के अंदर ना होते हुए किसी सेक्युलेटेड प्लेस में होते हैं। तो इन सब के बारे में डिफरेंस लोगों को नहीं पता बिल्कुल भी। तो आज की इस वीडियो में मैं ज़रूर ये डिस्कशन ज़रूर करूंगा कि क्या डिफरेंस होते हैं, कि कोई बच्चा साउथ कैंपस में लेता है, कोई ऑफ कैंपस में लेता है या फिर कोई नॉर्थ कैंपस में लेता है, तो उसकी लाइफ कैसी होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं नॉर्थ कैंपस में कौन से कॉलेजेस हैं। नॉर्थ कैंपस में ये मैंने सारे कॉलेजेस की लिस्ट नहीं लिखी, लेकिन जो मोस्ट टॉप 10 में अकॉर्डिंग टू नेट एंड सर्वेज आते हैं, मैंने उनके बारे में डिस्कशन की है, मतलब लिखा है। सेंट स्टीफन कॉलेज, जो कि आपका नॉर्थ कैंपस में ही पड़ेगा। एसआरसीसी, द मोस्ट फेमस कॉलेज फॉर कॉमर्स, इट्स लाइक श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। एंड हिंदू कॉलेज, जो कि पॉल साइंस और बाकी सब आर्ट्स कोर्सेज के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। हंसराज कॉलेज, जो कि बहुत फेमस कॉलेज है, जहाँ शाहरुख खान जी पढ़ चुके हैं। और ये है के एम सी है किरोड़ी मल कॉलेज। मिरांडा हाउस, ये गर्ल्स के लिए है। तो इसमें कुछ कुछ कॉलेजेस गर्ल्स के लिए हैं, जैसा कि आप देखते हैं कोएड है, गर्ल्स के लिए है, बॉयज़ के लिए कोई नहीं है, गर्ल्स के लिए ज़रूर है जिसमें सिर्फ गर्ल्स पढ़ेंगी। DSC कॉलेज, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉलेज फॉर इकोनॉमिक्स, बेस्ट कॉलेज। रामजस कॉलेज, IP कॉलेज फॉर वुमेन, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन। दौलतराम कॉलेज, लेडी इरविन कॉलेज, ये भी गर्ल्स कॉलेज है। SCBS कॉलेज, जहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉमर्स कोर्सेज हैं, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़। एंड दिस इज़ खालसा कॉलेज। हमने देखा नॉर्थ कैंपस के कौन से कॉलेजेस थे। अब मैं आऊँगा साउथ कैंपस के कॉलेज की लिस्ट में, उसके बाद मैं बताऊँगा ऑफ कैंपस में कौन से मेजर कॉलेजेस हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई बच्चा साउथ कैंपस में पढ़ता है, नॉर्थ कैंपस में पढ़ता है या फिर ऑफ कैंपस में पढ़ता है, तो उसकी लाइफ में कैसे डिफरेंसेस होते हैं और वो कैसे अपनी लाइफ कॉलेज लाइफ जीता है और आगे उसको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है और टीचर फैकल्टी स्टाफ जो भी आप कहें उसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है साउथ कैंपस। साउथ कैंपस में आता है LSR कॉलेज। LSR है लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जो कि बहुत फेमस कॉलेज है गर्ल्स के लिए। उसके बाद है वेंकटेश्वर कॉलेज, कमला नेहरू कॉलेज, गार्गी कॉलेज फॉर वुमेन, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, जो कि एक बहुत फेमस कॉलेज है आर्ट्स एंड कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए और ये बहुत ही आगे डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स उनको देता है। शहीद भगत सिंह कॉलेज, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़। ARSD कॉलेज, जो आजकल बहुत फेमस हो चुका है ARSD कॉलेज। मैत्री कॉलेज फॉर वुमेन, श्री औरोबिंदो कॉलेज। जीसस एंड मैरी कॉलेज, जो कि गर्ल्स के लिए है, जो साउथ कैंपस में रिजाइड करता है और जो आगे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ देता है गर्ल्स के लिए। रामलाल आनंद कॉलेज, आर्यभट्ट कॉलेज एंड मोतीलाल नेहरू कॉलेज। तो ये सारे लिस्ट है साउथ कैंपस के कॉलेजेस की, जो कि दुर्गाबाई देशमुख स्टेशन पे आपको उतर के वहाँ पर आपको मिलते हैं। हम आते हैं ऑफ कैंपस के कॉलेजेस की लिस्ट पे। तो अभी तक आपने देखे साउथ कैंपस और नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस, जो कि ये आपको पता है कहाँ कहाँ सिचुएटेड हैं। ये सारे कॉलेजेस जनरली इकट्ठे होते हैं, नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस आसपास होंगे, साउथ कैंपस के कॉलेजेस आसपास होंगे। तो ये हैं ऑफ कैंपस के कॉलेजेस, जो कि सेक्युलेटेड प्लेस में होते हैं, जहाँ पर आपको आसपास कोई भी जनरली कॉलेज नहीं मिलता। तो इनमें सबसे पहले है भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेस, देन वी हैव एएनडीसी कॉलेज, देन दयाल सिंह कॉलेज, देशबंधु कॉलेज, ये वन ऑफ द फेमस कॉलेज है, श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, एंड जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, कालिंदी कॉलेज फॉर वुमेन एंड भारती कॉलेज, ये भी वुमेन के लिए है, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, शहीद राजगुरु कॉलेज एंड केशव महाविद्यालय कॉलेज, जो कि कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस कॉलेज है। एंड अब आपको इनके बारे में मैं बताना चाहूँगा इन्फॉर्मेशन क्या क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बता रहा कि नॉर्थ कैंपस के कॉलेज, साउथ कैंपस के कॉलेज ज़्यादा बेटर होते हैं ऑफ कैंपस के कॉलेज, इनमें कई कॉलेजेस ऑफ कैंपस में बहुत ज़्यादा फेमस है। अभी तक आपने देखा कि नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस के कॉलेजेस की लिस्ट कौन कौन सी हैं, तो आज मैं आपको इनमें डिफरेंस बताऊंगा कि क्या क्या बच्चे, अगर कोई नॉर्थ कैंपस में पढ़ता है, कोई साउथ में पढ़ता है या फिर कोई ऑफ में पढ़ता है, तो वो अपनी कॉलेज लाइफ को कैसे इंजॉय कर सकते हैं, कैसे वो अपनी 3 साल की लाइफ में, उनमें डिफरेंस क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्थ कैंपस या साउथ कैंपस के बारे में। जनरली इनमें ज़्यादातर कोई डिफरेंस नहीं होता, तो अगर आप देखें इन तीनों में, तो यहाँ पर टीचर्स, जनरली टीचर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोवाइडेड ही होते हैं, तो उनमें डिफरेंस आपको वहाँ तक दिखेगा कि नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस के टीचर्स के पास ज़्यादा रिसर्च पेपर्स होंगे या फिर उनकी बुक ज़्यादा होंगी, ऑफ कैंपस के टीचर्स के पास उतनी नहीं होती। और जनरली आप आजकल आपको पता ही है कि पीएचडी कंपल्सरी कर दी है, तो अब तो जो सारे टीचर्स होंगे वो डॉक्टर्स ही होंगे। तो दूसरा फर्क आपको ये पता लगेगा कि अगर आप नॉर्थ कैंपस से साउथ कैंपस में है, तो आपके पास फेमस जॉइंट जो कि होते हैं, अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट है जो कि आपको ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ चिल करने में ज़्यादा मज़ा आता है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा फूड जॉइंट्स या फिर और मतलब अपने दोस्तों के साथ चिल करने की जगह ज़्यादा आपको मिल सकती है। जबकि आप ऑफ कैंपस में होंगे तो ऐसा कुछ आपको नहीं एक्सपीरियंस हो पाएगा, क्योंकि आसपास इतनी फूड जॉइंट्स या फिर कोई चीज़ें जनरली नहीं होती। अगर कोई 1-2 कॉलेज के आसपास है तो वो ऑब्वियसली होंगी, लेकिन जनरली ऐसी नहीं होती। नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस के कॉलेजेस के आसपास बहुत ज़्यादा फेमस जॉइंट्स हैं, तो आपको यहाँ एक डिफरेंस मिलेगा। और तीसरा डिफरेंस मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको किसी सोसाइटी में इंटरेस्ट है, जैसे कि कोई फैशन सोसाइटी को अपना टाइम डिवोट करना चाहता है, या फिर कोई डांसिंग में किसी को इंटरेस्ट है, या फिर किसी को एक्टिंग या फिल्म मेकिंग या फिर किसी चीज़ में ऐसे में इंटरेस्ट है, तो नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस के कॉलेजेस में आपको बहुत ज़्यादा प्रोस्पेक्ट्स मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉलेजेस इसके कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं या फिर ऐसी सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर कि जो आपको ऑफ कैंपस में नहीं मिल पाएगी। नॉर्थ और साउथ में ज़रूर होती हैं ऐसी सोसाइटीज़ जहाँ पर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। तो कहीं आप ले लेते हो ऑफ कैंपस में और आप सोचते हो मैं डांसिंग नहीं कर पाया ज़्यादा अच्छे से, या फिर मुझे फैशन सोसाइटी में जाना था, तो ये आपको ज़्यादा प्रोस्पेक्ट्स नॉर्थ और साउथ कैंपस में मिलेंगे। और जो और फर्क इसमें डिग्री के मामले में नहीं आता, क्योंकि डिग्री आपको सिर्फ एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की मिलेगी, जो कि जिस पे आपका कॉलेज का नेम नहीं लिखा होगा, सिर्फ आपकी सीजीपी या फिर जो भी परसेंटेज है आपकी वो लिखी होगी, और बाकी और कोई फर्क नहीं होता। मेन आपको और फर्क दिखेगा क्राउड में। ऑफ कैंपस कॉलेजेस में क्राउड इतना अच्छा जनरली नहीं होता जो बच्चे चाहते हैं, और नॉर्थ और साउथ कैंपस में जनरली आपको डिफरेंट कोर्सेज के स्टूडेंट्स मिलते हैं, तो स्टूडेंट का एक मेजर वो भी होता है कि क्राउड अच्छा होना चाहिए इस कॉलेज का, तो वो आपको नॉर्थ और साउथ में मिल सकते हैं। और इसके अलावा आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड और यूटिलाइज करने के लिए नॉर्थ और साउथ कैंपस में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं, कि मतलब अगर जैसे कोई इलेक्शन हो रहा है और किसी को इलेक्शन में पार्ट लेना है, तो जनरली ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ नॉर्थ और साउथ में मिलेंगी। या फिर अगर आपको किसी फेस्ट में पार्ट लेना है, या फिर अगर फेस्ट कौन कौन से आसपास के कॉलेजेस में हो रहे हैं, तो आपको जनरली अगर आप यहाँ पर किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, सपोज के नॉर्थ कैंपस के इस कॉलेज में पढ़ते हैं और साथ वाले कॉलेज में फेस्ट हो रहा है, तो या तो ऑफ कैंपस का भी सकता है, उसको बहुत दूर से आना पड़ेगा, नॉर्थ कैंपस के होंगे आप तो आप साथ में ही चले जाएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा फेस्ट में इकट्ठे पार्टिसिपेट या फिर एंजॉय करने का मोमेंट मिलता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ पार्टीशंस बताए हैं कि नॉर्थ, साउथ और ऑफ कैंपस में जनरली फ़र्क क्या है। आगे की वीडियोस में मैं आपको ये बताऊंगा कि नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस में कौन कौन से फ़र्क हैं, मतलब कि कौन कौन से नॉर्थ कैंपस के कॉलेज कौन कौन से कोर्स प्रोवाइड करते हैं, और जनरली इसमें मैं सारे कोर्सेज कवर करूँगा, नॉन मेड, मेडिकल, या फिर अगर आप किसी कॉमर्स कोर्स के हैं या फिर अगर आप आर्ट्स कोर्स के हैं तो आपके लिए क्या प्रोस्पेक्ट है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। जनरली आप वीडियोस देखते हैं तो आपको जनरली मोटे मोटे बताते हैं कि सीए ये करें, इंजीनियरिंग के ऊपर बहुत वीडियोस है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस ये हैं या फिर ये कॉलेजेस ये हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर बहुत कम वीडियोस हैं। तो मैं खुद एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, तो आपको मैं इस वीडियो के या फिर आगे आने वाली वीडियोज के जरिए मैं आपको कन्वे करूंगा कि आगे आपके लिए क्या प्रोस्पेक्ट है या फिर कौन कौन से मेरिट बेसिस कोर्सेज हैं या फिर कौन कौन से आपके एंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज है। तो मेरी वीडियो जनरली 11 12 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको पता लगे कि उनको आगे अपने कोर्स के लिए या फिर अपने स्पेसिफाइड कॉलेज के लिए कैसे अप्रोच करना है।